नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 36,000 होंगे आदर्श गांव, देश में 720 एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे। घाटशिला प्रखंड के मंगलासाई गांव में शुक्रवार को केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश आज आजादी का 75वां वर्ष अमृत उत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर आदिवासियों के उत्थान के लिए देश के जनजातीय क्षेत्रों में 720 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इनमें कक्षा छठी से बारहवीं तक 480 विद्यार्थी पठन पाठन कर सकेंगे। स्कूल परिसर में पढ़ाई के साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए 4 मैदान उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा 36,000 गांव को भी आदर्श गांव बनाने की योजना है। उन्होंने कहा जनजाति मंत्री होने के नाते देश के 10,50,00,000 जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। छात्र छात्राएं मन लगाकर पढ़ें और समाज, राज्य तथा देश का नाम रोशन करें। जातिगत जनगणना को लेकर झारखंड से सर्वदलीय शिष्टमंडल 26 सितंबर को गृह मंत्री से करेगा मुलाकात। राज्य से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सर्वदलीय शिष्टमंडल 26 सितंबर को शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दिल्ली जा रहे शिष्टमंडल में भाजपा को छोड़कर विभिन्न दलों के नेता शामिल रहेंगे। शिष्टमंडल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा आजसू प्रमुख सुदेश महतो, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, माले विधायक विनोद सिंह, सीपीआई से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, सीपीएम से सुरेश मुंडा, झामुमो से मिथिलेश ठाकुर समेत कई नेताओं का नाम शामिल है। अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी इस वर्ष हो रहे सेशंस में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जा रही है। विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान यह मामला उठा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सर्वदलीय शिष्टमंडल के जरिए मांग रखने की घोषणा की थी। सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड का जलवा, 7 अभ्यर्थियों ने किया पास। टॉप 10 में धनबाद के इन 2 लोगों ने बनाई जगह। यूपीएससी में कोयलांचल के लाल ने नाम रोशन कर दिया है। धनबाद जिले के झरिया के यश जालुका ने पूरे भारत में 4th स्थान, जबकि धनबाद की बेटी डॉक्टर अपला मिश्रा ने देश भर में 9वीं रैंक लाकर यूपीएससी टॉप 10 में शामिल हो गई। वहीं हजारीबाग के उत्कर्ष कुमार ने 55वां रैंक हासिल की है, जबकि देवघर मधुपुर के शुभम मोहन 196 रैंक पर है। देवघर की ही भावना कुमार ने 376वां रैंक हासिल करने में सफलता हासिल की है। चाईबासा के अभिनव कुमार गुप्ता ने 360वां रैंक हासिल किया है, जबकि राज्य के साहिबगंज जिले के मिर्जाचौकी के रहने वाले दलजीत कुमार को भी 114वां रैंक मिला है। झारखंड में हेमंत सोरेन के मंत्री का विवादित बयान, झारखंड सिर्फ झारखंडियों के लिए। रामगढ़ में झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने पतरातु में आयोजित विस्थापित प्रभावित आधिकारिक समिति के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड का निर्माण सिर्फ झारखंडियों के लिए हुआ है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को यहां के लोगों के हितों का ध्यान नहीं है। मंत्री ने आगे यह भी कहा कि झारखंड सिर्फ झारखंडियों के लिए बना है, मेरे लिए बना है, विधायक अंबा के लिए बना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हजारीबाग, चतरा और पलामू के सांसद यहाँ के लोगों की हक की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं। उन्होंने कहा कि आप सबको बता देना चाहता हूँ कि भाजपा इसलिए बाहर के लोगों को एमपी में टिकट देती है ताकि जब यहाँ के लोगों की हित की बात हो तो एमपी उस पर पार्लियामेंट में चुप रहे। अगर एमपी यहाँ के स्थानीय होते तो वे जरूर बोलते, चुप नहीं रहते। उन्होंने सवालिया लिहाजे में कहा कि हजारीबाग में भाजपा को लोकल कैंडिडेट नहीं मिलता है क्या? जानता आने वाले आम चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। झारखंड में वेतन नहीं देने वाली बिजली आउटसोर्सिंग कंपनियों पर होगी कार्रवाई, श्रमिक संघ ने भी दी चेतावनी। बिजली की विभिन्न कंपनियों में कार्यरत वैसे आउटसोर्सिंग कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी है, जिनके खिलाफ भुगतान लेने के बावजूद अपने कर्मियों को वेतन नहीं देने का आरोप है। ज्यादातर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में इस बाबत शिकायतें मिलने के बाद मुख्यालय ने इस पर विस्तृत जानकारी तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इन्हें काली सूची में डाला जाएगा। जिन आउटसोर्सिंग कंपनियों की शिकायत मिली है उनका भी पक्ष मांगा गया है। उधर आउटसोर्स कंपनियों का वेतन लंबित किए जाने के खिलाफ कर्मी गोलबंद हो रहे हैं। विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रम संघ ने ऊर्जा विकास निगम को तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव बनाया है। चेतावनी दी गई है कि अगर आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मी काम बंद करेंगे और निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रम संघ की आपात बैठक में अध्यक्ष भानु कुमार ने आरोप लगाया कि ऐसा निगम की मिलीभगत से हो रहा है। म्यांमार में उठे चक्रवात का झारखंड में दिखेगा असर, येलो अलर्ट जारी, पूरे राज्य में होगी बारिश।
म्यांमार में बने चक्रवात का असर शनिवार की शाम झारखंड में दिख सकता है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार यह बंगाल की खाड़ी से होते हुए ओडिशा की सीमा के आसपास जाएगा। शनिवार को झारखंड के उत्तरी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। सरायकेला को छोड़कर शेष जिलों के लिए मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 26 सितम्बर को भी इसका राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात हो सकती है। 27 सितम्बर को पूरे राज्य में हल्के दर्ज की बारिश हो सकती है। 28 में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड के युवाओं के पास सचिवालय में नौकरी करने का मौका, कई पदों पर मांगे गए हैं आवेदन। नौकरी की तलाश कर रहे बिहार और झारखंड के युवाओं के पास सुनहरा मौका है। लोकसभा सचिवालय ने सलाहकार और अन्य के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऐसे में अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपके पास नौकरी हासिल करने का मौका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2021 है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को लोकसभा सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट loksabha.nic.in पर जाना होगा। बता दें कि ग्रेजुएट उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोस्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी अलग अलग है। झारखंड में 11 गैर अनुसूचित जिलों में जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड हाईकोर्ट में सरकार ने मामले पर दी सफाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने राज्य के गैर अनुसूचित 11 जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों, पंचायत सचिव और निम्न वर्ग लिपिकों की नियुक्ति मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि सरकार 10 दिनों के अंदर नियुक्तियों के मामले में फैसला कर लेगी। लिए गए फैसलों से अदालत को भी अवगत कराया जाएगा। महाधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई के पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से लिए गए फैसले की जानकारी देने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। झारखंड में हर साल 10 गरीब मेधावी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी हेमंत सरकार, शुरू की ये खास योजना। झारखंड में मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021 की शुरुआत हो गई है। योजना के पहले चरण में अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से इन 6 होनहार आदिवासी युवाओं को पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा जा रहा है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का विधिवत शुभारंभ करते हुए कहा कि अगले चरण में समाज के दूसरे वर्गों के छात्रों को भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के बच्चों को अब पैसों के अभाव में विदेश में पढ़ाई का सपना चकनाचूर नहीं होगा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021 की शुरुआत करते हुए इस सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। झारखंड में महिलाओं के लिए निकली बंपर वैकेंसी, कई पदों पर मांगे गए हैं आवेदन। झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। आप सबको बता दूं कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए कुल 497 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। यह बहाली झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jap.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है। पुरुष उम्मीदवारों का आवेदन मान्य नहीं होगा। चयनित महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न जिलों के आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 सितंबर 2021। आप सबको बता दूं कि टीचर के लिए 341 पद है, फुल टाइम चौकीदार के लिए 57 पद है, फुल टाइम कुक के लिए 50 पद है और अकाउंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 31 पद है। इनके लिए योग्यता भी इस तरह से है। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार ने बीएड के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। अकाउंटेंट पद के लिए उम्मीदवारों के पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। कुक पद के लिए उम्मीदवारों के पास 10वीं पास होना अनिवार्य है। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु की सीमा में बीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल और एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है। उम्मीदवारों का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उससे भरकर अपने संबंधित जिले के जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कर सकते हैं। गोड्डा रांची वाया भागलपुर जमालपुर चलेगी ट्रेन, 29 को हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। गोड्डा रांची एक्सप्रेस का उद्घाटन 29 सितंबर को होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाएंगे।
गोड्डा में स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहेंगे। 29 सितंबर को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन चलेगी जो दिन के 1:15 पर गोड्डा से रवाना होगी। ट्रेन का नियमित परिचालन 30 सितंबर को रांची से और 1 अक्टूबर को गोड्डा से होगा। गोड्डा से यह ट्रेन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को भागलपुर, जमालपुर, क्विल होकर रवाना होगी। वहीं रांची से यह ट्रेन गुरुवार, शनिवार और सोमवार को चलेगी। यह ट्रेन पहले भागलपुर से रांची के बीच चलाई जा रही थी, अब इस ट्रेन को गोड्डा तक विस्तार कर दिया गया है। पहले यह चर्चा थी कि 26 सितंबर को ट्रेन का उद्घाटन होगा, लेकिन रेलवे बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार 29 सितंबर को उद्घाटन होगा। नियमित रूप से चलने पर यह ट्रेन गोड्डा से दिन के 12:40 पर रवाना होगी। भागलपुर शाम 4:35 पर पहुंचेगी और 5:05 पर रवाना हो जाएगी। इस बीच में पोड़ैयाहाट, हसडिया, मंदार हिल और बराहाट में भी रुकेगी। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।